हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतन सिंह, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डूरबर पर स्वागत करता हूँ। 10th के साइंस पार्ट में जो फिजिक्स है, फिजिक्स के पार्ट में हम लोगों ने मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार ये बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें यही केवल एनसीईआरटी जो पाठ्यपुस्तक के आपके कुछ प्रश्न हैं और एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अंत में आपके जो अभ्यास के प्रश्न हैं, इन्हीं पर हमें केवल चर्चा करनी है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं आपकी किताब के इस चैप्टर के बीच में ही हैं, तो इन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। आपको मालूम है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। बहुत इजी वे में आप ऐसे लिख सकते हैं, आप पहले भी लिख चुके हैं, आप फिर से जान लीजिए कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, ये समंजन क्षमता कहलाती है। प्रश्न आपका दूसरा है, ये दूसरा प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो बस केवल हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है, ये दोष कैसा है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम कैसे लेंस का उपयोग करते हैं, आवर्तन लेंस का। तो ये आवर्तन लेंस होगा, हम आवर्तन लेंस का उपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होता है। तो दो है हमारा दूर बिंदु, एक है हमारा दूर बिंदु। दूर बिंदु हमारा होता है इनफाइनाइट, अनंत, अनंत पर होता है, और निकट बिंदु जो है हमारा यह है 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु, निकट बिंदु है हमारा 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु हमारा अनंत तक है। चौथे प्रश्न को देखते हैं, ये हमारा चौथा प्रश्न होगा, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, वह विद्यार्थी किस दृष्टि रोग से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में वो बैठा है, अंतिम पंक्ति का मतलब ये हुआ कि उसे अपनी किताबें तो दिखाई देती हैं लेकिन बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं दिखाई देता। मतलब निकट की चीज़ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो निकट की चीज़ दिखाई देती है तो ये कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। ये आपका निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित व्यक्ति होगा, जिसको आप मायोपिया भी कहते हैं। आगे का देखते हैं, आगे आपके एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्न आ गए। इस अभ्यास के प्रश्न में देखते हैं, पहला आपका है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये क्या होता है, समंजन क्षमता होती है। दूसरा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वो कहाँ बनाता है प्रतिबिंब, रेटिना पर, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं, तो ये आपका रेटिना हो गया। तीसरा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी
होती है। तो ये है आपकी 25 सेंटीमीटर। ये सब बहुत इजी प्रश्न हैं और बहुत पूछे भी जाते हैं। इजी तो हैं लेकिन पूछे भी बहुत जाते हैं। ये चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो पक्षमावपेशियाँ होती हैं, ये पक्षमावपेशियाँ जो हैं ये अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन करती हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये एक छोटे से न्यूमेरिकल के रूप में आपको दिया गया है, तो इसको देखते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी दूरदृष्टि दोष को संशोधन के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। वैसे दूरदृष्टि दोष यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में आपको माइनस क्षमता का चाहिए, माइनस क्षमता का अवतल लेंस चाहिए, और यहाँ आपका दूरदृष्टि दोष होना चाहिए, दूरदृष्टि दोष के लिए आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कुछ गलत लिख दिया गया है। तो यहाँ देखिए, अपनी यहाँ दूरदृष्टि दोष की संशोधन के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसमें दो चीज़ है, एक दूरदृष्टि दोष के लिए और एक निकट दृष्टि दोष के लिए। तो एक्चुअली जहाँ हमको दूर होना चाहिए यहाँ निकट कर दें, जहाँ निकट होना चाहिए यहाँ दूर कर दें। तो हमें सिर्फ फोकस दूरी से मतलब है। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, पहले पॉइंट में हमारा क्या हुआ, आपकी क्षमता दी गई है। तो क्षमता हम मान लेते हैं कितना हो गया, आपको दिया गया है -5.5 डी, ये इतना डायोप्टर आपको दिया गया है। अब हमको फोकस दूरी चाहिए, तो हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो यफ बराबर क्या होता है, 100 बाई पी। ये हो गया आपका 100 बाई पी, और पी का मान क्या है आपका, पी जो है हमारा ये हो गया आपका 100 और बाई, और पी की वैल्यू हो गई हमारी ये -5.5, -5.5 हो गया ये। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आपकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। इस पॉइंट को हटा दें तो यहाँ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 5 से आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 11, और ये हो गया 5 दुना 10, 200/11 हो गया। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 18.2 सेंटीमीटर, ये 18.2 सेंटीमीटर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ये हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आपका जो पावर दिया गया है वो डायोप्टर कितना दिया गया है, ये पी आपका दिया गया है पॉजिटिव में, कितना 1.5 डी, 1.5 डायोप्टर दिया गया है। इसकी क्षमता ये दिया गया है, आपको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। सूत्र वही लगाते हैं, यफ इक्वल्स टू बी 100 बाई पी, आपका 100 बाई पी हो गया, ये हो गया 100, और बाई पी, पी की जगह पे हम क्या लिख दें, माइनस नहीं, आपका प्लस है 1.5 डायोप्टर। तो इस पॉइंट को हटाएं, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 5 तिया 15 हो गया, और 5 दुना 10, 200/3, 200/3 का मतलब ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आएगी, कितना 66.7, 66.7 किस में, सेंटीमीटर में, 66.7 सेंटीमीटर हो गया। इस क्रम में ये देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र से के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो तुरंत ये क्लियर हो गया कि उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होगी अवतल लेंस।
ये लेंस कैसी होगी, अवतल लेंस हुई। अब इसकी हम लोग क्षमता ज्ञात कर लें। क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित है तो उसे क्या होना चाहिए, वस्तु जो है वो अनंत पे रखा हो ऐसी वस्तु वो दिखाई देना चाहिए, अनंत पे रखे वस्तु को देखना है। अच्छा, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखा रहता है तब वो देख पाता है, तो वी कहाँ होना चाहिए, -80 सेंटीमीटर पे, ये सेंटीमीटर -80 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी क्षमता ज्ञात करनी है, तो पहले फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं, सूत्र लगा देते हैं, 1/f बराबर 1/v और -1/u हो गया। 1/v का मतलब हो गया 1/-80 और -1/ आपका हो गया -इनफाइनाइट, तो -इनफाइनाइट हो गया, ये आपका -इनफाइनाइट आपका अब ज़ीरो हो गया, ये पूरी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो गई, कितनी हो गई ये -1/ हो गया आपका -80, ये हो गया आपका 80। इसका मतलब फोकस दूरी कितनी हो गई, -80 सेंटीमीटर, -80 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी हो गई। अब हमको क्षमता ज्ञात करना है, तो चलिए इसी के आगे हम क्षमता भी ज्ञात कर देते हैं। क्या हुआ हमारा पावर, पावर कितना होगा 100/f, f हमारा आया -80 सेंटीमीटर, तो 100/-, ये 80 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये ज़ीरो से ज़ीरो हमारा कैंसिल हो गया, 2 × 4 = 8 हो गया और 2 × 5 = 10 हो गया, ये आपका -5/4 हो गया, तो आप माइनस लगा दिए और कितना हो गया 1.25 डायोप्टर हो गया, 1.25 डायोप्टर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्या है, चित्र बनाकर दर्शाइए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता, आवश्यक लेंस की क्षमता ये क्या होगी। यह मान लीजिए कि जो सामान्य नेत्र है इसका जो निकट बिंदु है, ये निकट बिंदु कितना है 25 सेंटीमीटर, तो किस दोष से ये पीड़ित, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि दूर दृष्टि दोष, दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि हमें उत्तल लेंस यूज करना होगा, उत्तल लेंस यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले तो फिगर आइए देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे आपका नेत्र हो गया, नेत्र का ये उत्तल लेंस हुआ, फिगर आप बना चुके हैं और यहाँ मैं थोड़ा सा फिर से एक बार आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ये आपका लेंस है, कोई भी वस्तु ये निकट वस्तु ये रखी हुई है, निकट की वस्तु दूर, ये दूर दृष्टि दोष है ना, दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु ये दिखाई नहीं देती है। तो आप देखिए निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या करना है, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें चलेंगी, जैसे यहाँ जो रहता, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं उनको ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज करता कर दे रहा है, ये कन्वर्ज किया और यहाँ से फिर कन्वर्ज हो करके ये कहाँ पहुँच गई, रेटिना पर पहुँच गई, ये आपका ये देखिए यहाँ रेटिना पर पहुँच गई, तो ये जो कन्वर्जन हुआ ये अगर यहाँ से हम देखें तो थोड़ा सा अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ जाके मिलेंगी, तो ये आपका निकट बिंदु होगा और इसका प्रतिबिंब आपका यहाँ बन जाता है, तो वास्तव में जो दूर स्थित वस्तु था उसका प्रतिबिंब ये निकट बना लेता है। आपको मैं यहाँ हिंट दे दे रहा हूँ और जहाँ आपका वीडियो पूरा बनाया गया है वहाँ आपको बहुत स्पष्ट फिगर करके बनाया गया है, इस पर स्पष्ट फिगर दिया नहीं जा रहा है।
तो इस तरह से, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम दूरदृष्टि दोष का संशोधन करते हैं। अब क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, ये जो सोल्यूशन हमको देना है इसके संशोधन के लिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है कि प्रतिबिंब निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का बनना चाहिए, मतलब यू जो हो गया हमारा वो कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। -25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनना चाहिए और 1 मीटर दूरी तक ये निकट बिंदु है, दोषयुक्त जो है, जब दोषयुक्त आँख है तो 1 मीटर की दूरी पर वो देख पाता है। इसका मतलब वी हो गया कितना, -1 मीटर। तो 1 मीटर का मतलब क्या हो गया, -100 सेंटीमीटर। ये -100 सेंटीमीटर हमने कर दिया। फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v आपका कितना हो गया, -1/ आपका 100 हो गया और -25, ये आपका माइनस है, -25। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो -1/100 और +1/25, 1/25। यहाँ आपका एलसीएम हो गया 100 और यहाँ आपका हो गया -1 और +25 चौक का 100, ये हो गया 4। कितना हो गया, ये 3/ आपका हो गया 100। ये 3/100 हो गया, बहुत आसानी के साथ हम इसको जान सकते हैं। क्या ज्ञात करना है, क्षमता। तो ये इतना सेंटीमीटर आया। अब हमको ज्ञात करना है पावर, तो P हमें ज्ञात करना है। आप देखिए P बराबर होगा 1/f, और पॉजिटिव में आया आपका, तो P बराबर 1/f। तो मीटर में अगर हम करते हैं तो 1/f, सेंटीमीटर में करते हैं तो 100/f, तो 100 हो गया। और बाई वैल्यू कितनी आई थी, 3/100, तो ये हो गया आपका 3/100। ये नहीं, फोकस फोकस दूरी आपकी 100/3 आई थी, क्योंकि 1/f की तो वैल्यू आई, देखिए 1/f की जो वैल्यू आई थी, 1/f की वैल्यू आई, ये आया 3/100। तो इसका मतलब ये हो गया 100/3, तो आपका हो गया 100/3। तो 100/100/3 ऐसे लिखना चाहिए था, 100/100 बाई थ्री 100/100/3। तो ये आपका पावर कितना आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला गया और ये 100 से 100 आपके कैंसिल हो गए, कितना हो गया, +3 डायोप्टर। ये आपका +3 डायोप्टर हो गया। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर, अगला है हमारा 8वां क्वेश्चन। 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता। थोड़ा सा सवाल ये हुआ कि 25 सेंटीमीटर तक तो ये सुस्पष्ट देखता है, इससे नज़दीक अगर करें तो वस्तु हमें क्यों नहीं दिखाई देता है। तो दिखाई देता है, क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। कैसे, देखिए इसका बहुत स्पष्ट सा उत्तर आप जानिए कि जो हमारा नेत्र लेंस है ये फोकस दूरी समायोजित करती है, लेकिन फोकस दूरी समायोजित करने की इसकी भी एक न्यूनतम सीमा है। ये सीमा कितना है, ये है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक ये बिना किसी दबाव के, बिना किसी आँख पर तनाव डाले सुस्पष्ट देख सकता है, लेकिन इससे कम अगर आप देख रहे हैं तो वस्तुएं हमको धीरे धीरे धुंधली दिखाई देती हैं और आंख पर तनाव बढ़ता जाता है। तो आप लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित की जा सकती है, परंतु इसकी फोकस दूरी एक न्यूनतम दूरी जो एक निश्चित सीमा है से कम नहीं हो सकती। इसे कम करने के प्रयास में आंख पर तनाव बढ़ता है और वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। ये हमारा 9वां प्रश्न होगा। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र की प्रतिबिंब दूरी पर क्या प्रभाव होता है, दूरी क्या होता है? तो देखिए, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर, ये हमें पता है। तो जब रेटिना पर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब हुआ कि नेत्र के लेंस से और रेटिना के बीच की दूरी तो बढ़ नहीं रही है, वो निश्चित है, और इसीलिए समायोजन या समंजन क्षमता की आँख की आवश्यकता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी नेत्र से किसी भी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो समंजन क्षमता के गुण के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, ये रेटिना पर ही बनता है, परंतु रेटिना पर भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रतिबिंब के भिन्न भिन्न स्थान हो जाते हैं, स्थान उनके बदल जाते हैं, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी वही रहती है। ये देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा 10वां, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इस पर हमने आपको डिटेल दिया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्रमुख कारण इसका क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम एक बार यहाँ और डिटेल करना चाह रहे हैं, कर दे रहे हैं, हालांकि आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या है? तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये हमारे नेत्रों को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब अपवर्तन के कारण, ये जो वायुमंडलीय अपवर्तन है, इसके कारण लगातार किरणें ये अपवर्तित होती जाती हैं। अपवर्तित होने के कारण जो तारे की वास्तविक स्थिति है ये कुछ ऊपर दिखाई देने लगता है, इसकी आभासी स्थिति ये थोड़ा बदल जाती है। अच्छा, चूंकि वायुमंडलीय परिवर्तन होता रहता है इसलिए अपवर्तनांक माध्यम के बदलते रहते हैं, इसलिए ये जो आभासी ऊंचाई है ये भी थोड़ी थोड़ी देर पर बदलती रहती है। तो बार बार बदलने के कारण तारों से आने वाला प्रकाश ये कुछ हमको झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, और जो ये झिलमिलाहट होती है इसी को हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि तारे जो है ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल जस्ट 11वां आपका प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। भाई, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारों का प्रकाश आ रहा है, लेकिन ग्रहों का भी तो प्रकाश आ रहा है, तो ग्रह हमको टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? तो सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि तारों की अपेक्षा ग्रह हमारी पृथ्वी के बहुत समीप हैं। तारे बहुत दूर हैं और ग्रह ये हमारे बहुत समीप हैं। तो तारों की अपेक्षा ग्रह हमारी पृथ्वी के बहुत समीप हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत के तरह आप मान सकते हैं, बड़े स्रोत की तरह मान सकते हैं। यदि ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोत का एक कलेक्शन मान लें, एक संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु से प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान ये शून्य होता है, इसीलिए ग्रह ये टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये है
सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय सूर्य आपका लाल रंग का क्यों प्रदर्शित होता है, क्यों दिखाई देता है? तो इसको देखते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वायुमंडलीय भाग है और प्रकाश यहाँ यहाँ से सूर्य निकल रहा है। सूर्य यहाँ आपका क्षितिज पे है, सूर्य क्षितिज पे है। तो जब यहाँ से प्रकाश आता है, कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ है, तो ऑब्जर्वर जो है सबसे ज़्यादा वायुमंडल में, देखिए ये प्रकाश गुजर रहा है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रकाश ही गुजर रहा है। और वायुमंडल में आपके धूल के कण या वायु के अणु ये हैं। धूल के कण और वायु के इन कणों द्वारा नीले और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग की ही प्रकाश की किरणें हमारे आँख तक पहुँच पाती हैं। बाकी लगभग क्रमशः सारे प्रकाश की अन्य किरणें ये प्रकीर्णित हो जाती हैं। तो लाल रंग की प्रकाश की किरणें, जिनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, वही हमारी आँख तक पहुँचती हैं, इसलिए ये हमको लाल दिखाई देता है। और डूबते समय भी यही स्थिति होती है। और आपको यहाँ और भी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जब दोपहर का समय होता है तब ये लाल नहीं दिखाई देता। ज्यों यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा त्यों ही ये दूरी आपकी कम हो जाएगी, ये दूरी कम हो जाएगी, इसका मतलब प्रकीर्णन ये कम हो गया। तो भाई नीले और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन हो रहा है, लेकिन सिर्फ लाल ही नहीं, उसके अलावा अन्य किरणें पीले और नारंगी ये भी आते हैं, इसीलिए आपको ये नारंगी पीले रंग का दिखाई देता है। 13वां क्वेश्चन होगा हमारा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश ये काले रंग का क्यों प्रतीत होता है? ये आप 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है। तो जब वायुमंडल नहीं है, भाई अंतरिक्ष का मतलब कि वहाँ वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष यात्री आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल से अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ वायुमंडल का अभाव होता है, वायुमंडल नहीं होता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं हुआ तो चूंकि आकाश का अपना कोई रंग है नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ नहीं, इसलिए वो कैसा प्रतीत होगा? इसलिए वो काला प्रतीत होगा। तो बस यही छोटा सा आपका पार्ट ए एनसीईआरटी का बचा हुआ था और इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लिया। और अब आपका ये यूनिट ही पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली वीडियो में आपको अगली यूनिट देंगे, तब तक ये यूनिट पूरा हमको कंप्लीट कर दीजिए। और अगले वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।